So in the last lecture, we have started composite trapezoid. सिलसिलास हमें नॉन कंपोजिट में बांध करते हैं, बट जो किसी में भी हो सकती है. We can have class at LT. So, firstly, I am giving the review कि हमने जो example का जो formula था वो क्या था. The formula was this. कि आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है फॉर द ट्रेपीजॉइडल रूल. दिस वाज योर फॉर्मूला क्या था. फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पे निकालो, फंक्शन की वैल्यू एक्स एन पे, जिन इंटरवल्स में डिवाइड करना है, इनटू एक्स बाय टू. बाकी सारी वैल्यूज का क्या कर दिया था हमने, टू टाइम्स जो मिडल वाली वैल्यूज होगी. और ये आपका एरर था, एरर को हमने क्या कह दिया था, दिस विल बी माई एरर, माइनस बी माइनस ए बाय 12 एक्स स्क्वायर फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव एट सम कांस्टेंट सी. एरर बाउंड हम हमेशा कैसे निकालते हैं, इसका मैक्सिमम ढूंढ लो, माइनस बी माइनस ए का मैक्सिमम और फिर एफ टू सी का मैक्सिमम. नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने किया था कंपोजिट ट्रेपीजॉइडल रूल, सॉरी सिम्पसन्स रूल. सिम्पसन्स रूल का फॉर्मूला क्या था, फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पे, फंक्शन की वैल्यू एक्स एन पे, जो आपकी ऑड टर्म्स थी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सॉरी इवन टर्म्स, दैट विल बी योर टू एंड दिस विल बी योर फोर टाइम्स. ये हमने किया था लास्ट टाइम. और ये हमने किया था कि मेरा सिम्पसन्स में क्या एरर होगा, एच फोर बाय एटी बी माइनस ए एफ फोर सी. हमेशा जब हमने एरर बाउंड निकालनी है तो क्या करना है, इस क्वांटिटी का मॉडुलस लेके मैक्सिमम ले लेना है और इस क्वांटिटी का मॉडुलस लेके मैक्सिमम ले लेना, हमेशा यही करना है. So we have started one example. उसमें आपको क्या determine करना था, that you have to determine the value of h. h आपको ढूंढना था. कैसे ढूंढना था कि आपको integration किसकी solve करनी है, 0 to 2 e raised to the power 2x into sin 3x dx. So आपका error, आपको h ऐसा ढूंढना है कि मेरा error हमेशा किससे छोटा रहे, 10 raised to the power -5 से. तो पहले आपको ढूंढना था कंपोजिट से, फिर आपको किससे ढूंढना था, ट्रेपीजॉइडल, सिम्पसन्स एंड देन ट्रेपीजॉइडल. सो वी हैव स्टार्टेड द ट्रेपीजॉइडल रूल. ट्रेपीजॉइडल में एरर मेरा ये आ रहा था, माइनस बी माइनस ए बाय 12 एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश सी, यही था. दिस एरर इज नॉट फॉर नॉन कंपोजिट, दिस एरर इज फॉर कंपोजिट ट्रेपीजॉइडल रूल. ठीक है, तो हम हमेशा क्या कहते हैं, ये मेरा अगर एरर मुझे ढूंढना है तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लूंगी, मैक्सिमम मॉड लेके, और मैं किसकी ढूंढ लूंगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू b माइनस a. अगर आपका फंक्शन ये क्या है, e रेस टू द पावर 2x sin 3x, b आपका क्या होता है, द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, a आपका क्या होता है, व्हाट इज योर a एंड b, b आपका क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ इंटेग्रल, अपर लिमिट ऑफ इंटेग्रल एंड ए इज योर लोअर लिमिट. एच आपको फाइंड करना है, वैसे एच क्या होता है, एच आपका क्या होता है, स्टेप साइज
जिससे आप अपने हर इंटरवल का जो साइज रहेगा वो एक्स वन माइनस एक्स नॉट करो तो भी एच रहे, एक्स टू माइनस एक्स वन एच, दैट मीन्स एच रिमेन सेम, सो एच इज योर डिफरेंस इन द इंटरवल. फाइन, सो दिस इज योर लोअर, ए इज योर लोअर लिमिट ऑफ इंटेग्रल. इफ यू विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, यहां से इंटेग्रल मेरा क्या है, जीरो टू टू दिस एफ एक्स डी एक्स, तो मतलब मेरा बी क्या हो गया ए, सॉरी टू ए क्या हो गया मेरा जीरो, सो आई हैव टू माइनस जीरो बाय ट्वेल्व एक्स स्क्वायर. हमने क्या ढूंढना है, एरर मेरा हमेशा किससे छोटा रहे, टेन रेस टू दी पावर माइनस फाइव से छोटा रहे. मैंने क्या कहा था, हमेशा हम किसका ढूंढेंगे, इसका मैक्सिमम ढूंढेंगे. अगर आप फंक्शन ये आपका इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ट्वेल्व ई टू एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस फाइव ई टू साइन एक्स थ्री एक्स. यहाँ तक क्लियर है, सिर्फ मैंने डेरिवेटिव निकाला है, इज दिस क्लियर. अब मैक्सिमम वैल्यू आपका एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, जीरो टू टू. हम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ते हो, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई मीन दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व ई टू एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस ठीक है दिस शुड बी लेस देन टेन रेस टू द पावर माइनस फाइव. इज इट क्लियर टू ऑल? Fine. So now, if it is this thing, now you know minus में mod लो या positive लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो I am deleting minus five sign over. Minus x का mod लो, चाहे x का mod लो, कोई फर्क आएगा? No. So that will remain. So this is your 12 e 2 x cos 3 x plus 5 e 2 x sin 3 x mod of x y. Is equal to mod of x into xy. So this quantity will be 1 by 6 f square maximum x belong to this thing. This will be 12 e 2x cos 3x. E kabhi negative hoga, usko main mod mein loon chahe na loon, koi farak padega? एक्सपोनेंशियल एक्स आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जीरो टू टू, पावर भी क्या है ई रेस टू द पावर टू एक्स, सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो कैन आई टेक इट आउट ऑफ द मॉडुलस? फाइन, सो दिस इज प्लस फाइव ई टू एक्स साइन थ्री एक्स मोड. नाउ यू नो योर कॉस एंड साइन फंक्शन आर ऑलवेज बाउंडेड बाय वन. So this quantity will be less than equal to 1 by 6 x square. Your maximum is belonging to x 0 to 2, कोई भी हो. So ये आपका क्या जाएगा, 12 e 2 x into 1 plus 5 e 2 x into 1. And this should be less than 10 raised to the power minus 5. ठीक है? अब आपका function क्या रह गया? This is only your function. 12 e 2 x प्लस फाइव ई टू एक्स, ये बेसिकली कितना हो गया, दिस इज टोटल 17 ई टू एक्स. अब आपका एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, टू के बीच में, ठीक है, 17 ई पर टू एक्स की वैल्यू कब मैक्सिमम जब एक्स क्या होगा, ऑब्वियसली से नीचे वाली वैल्यूज में भी एक्सपोनेंशियल कमी आएगी ना, तो मैक्सिमम एक्स आपको टू से. So what will be your maximum value? This will be equal to 1 by 6 x square. This will be 17 e raised to the power 2 into 2. This should be less than equal to 10 raised to the power minus 5. So ye aapka aa gaya 1 by 6 x square 17 e 4. And this should be less than 10 raised to the power minus 5. So from here you will get h as
लेते हो ना, आप एच क्या लेते हो, बी माइनस ए बाय एन, विच इम्प्लाइज दैट योर एन इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एच. नाउ एच शुड बी लेस देन दिस, दैट मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन टू माइनस जीरो इंटू 2.543 into 10 raised to the power minus 4. Greater कैसे लिया, clear है ना? Because it is dividing. So n is coming out to be your approximately 7864.726. Or you can say because number of intervals cannot be in the decimal. ठीक है, तो आप approximation कितनी लोगे? 0.7 है. That means आपको कितने लेने पड़ेंगे? Interval 7825. एच आपको इतना छोटा लेना पड़ेगा और इंटरवल्स पूरा 0 to 2 को आपको कितना था एरर कंपोजिट सिम्पसन्स रूल में? कंपोजिट सिम्पसन्स रूल बोलना, माइनस बाय कंपोजिट बोल रहे हो ना कि नॉन कंपोजिट बोल रहे हो? एक्स रेज टू द पावर 4 180 इंटू बी माइनस ए इंटू फंक्शंस फोर्थ डेरिवेटिव एट सी. एरर किससे छोटा रखना है? 10 raised to the power -5 से. क्या करोगे इसमें तन्वी टीचर? क्या करोगे इसमें एरर अगर आपको एच कैट ढूंढना है तो? व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल प्रोसीड? एच की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है, स्टार्ट कैसे करेंगे? किसको डिवाइड बाय 3 करेंगे? मुझे तो फंक्शन पता है और एक्स नॉट भी कुछ नहीं पता, आपको ढूंढनी है एच की वैल्यू. ट्रेपेज़ॉइडल रूल फर्स्ट पार्ट समझ आया? वैसे ही करना है. ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, यू विल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, एंड यू विल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग. यही करोगे? यही करना टीशा कि कुछ और करना है? ठीक है फाइन, हम हमेशा यही कर रहे हैं एरर फाइंड करने के लिए. जब हमने लग्रांज इंटरपोलेशन भी किया तभी भी हमने एरर ऐसे ही फाइंड किए. सो दिस शुड बी लेस देन 10 raised to the power -5. एच आपको फाइंड करना है, सो दिस विल बी एच रेस टू दी पार 4 by 180. बी माइनस ए आपका 2 - 0 ही रहेगा. एट दिस यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम x belonging to your 0 to 2. फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लोगे. फंक्शन आपका क्या है? e raised to the power 2x sin 3x. So its fourth derivative is coming out to be your -119 e 2x sin 3x -120 e 2x cos 3x, and this should be less than equal to or less than 10 raised to the power -5. The same जैसे हमने पिछले में प्रोसीड किया, mod of x plus y की प्रॉपर्टी लगाओगे,
this quantity will be less than equal to h raised to the power by 4 180 into 2. This is maximum x belonging to your 0 to 2. So this will be your 119 e 2x sine 3x plus 120 e 2x cos 3x, and this should be less than 10 raised to the power minus 5. Last में किया क्या था कि आप modulus अलग करोगे, ये quantity आपकी क्या बन जाएगी? This quantity will become 119 e 2x sine 3x mod plus 120 e 2x mod cos 3x, यही बनेगा. लास्ट जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया. अब साइन एंड कॉस हमेशा बाउंडेड फंक्शन है, तो दिस विल बी क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल टू एच फोर टू इंटू टू बाई 180, दैट इज योर 90. मैक्सिमम एक्स बिलोंगिंग टू योर 0 टू 2, बिकॉज दीज आर बाउंडेड बाय 1, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1. सो आई हैव 119 e 2x plus 120 e 2x. Clear है यहाँ तक? This should be less than 10 raised to the power minus 5. Again, इसकी maximum value कहाँ पे मिलेगी आपको? तो क्या होगा? e 2 and it should be less than 10 raised to the power minus 5. तो आपका यहाँ से h आ रहा है, that should be less than 0.0162. यहाँ पे एच अगर आप इतना लोगे, इट विल वर्क. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटरवल बी माइनस ए बाय एच, इट शुड बी 2 माइनस 0 0.0162. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.457. सो इफ बिकॉज नंबर ऑफ इंटरवल डेसिमल में हो सकते हैं, ठीक है, डेसिमल में कैसे ब्रेक करोगे? सो अगर राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ कैसे करोगे? 123. क्यों? क्योंकि ये आपकी प्लेस क्या है? 5 से छोटी है. सो द नंबर ऑफ इंटरवल दैट यू नीड शुड बी ग्रेटर देन 123. सो सिंपसन कह रहा है कि अगर आप 123 क्वेश्चन एग्जाम्पल, द एरिया इन साइड द क्लोज्ड कर्व, द एरिया ए इन साइड द क्लोज्ड कर्व, द क्लोज्ड कर्व वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स इज गिवन बाय A is your this area, that is integration of 0 to alpha 4 cos x minus x square raised to the power half dx, where alpha is positive root of equation cos x is equal to x square. Then the first part that you have to do, you have to compute alpha using, ये तो ऐसे अब आपको सिलेबस में नहीं है, I will tell. अल्फा सिम्पसन्स और ये सब तो आप यूज कर रहे हो ना, क्योंकि जो है आपकी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर
कभी टवर यूज ट्रेपीजोइडल एंड सिम्पसन्स रूल टू कंप्यूट With absolute error, with absolute error, less than 0.25. हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, तो अल्फा हम कैसे निकालेंगे, उसमें क्या होता है आपका आइट्रेशन मेथड क्या होता है, दिस इज एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के माइनस फंक्शन की वैल्यू एक्स के पे, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स के पे, और के आपका वेरी करता है 0, 1, 2, n, जितनी भी आपने करनी है आइट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि आप एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चल पड़ो, जैसे आप एक्स नॉट जीरो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ से, दिस इज योर कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर,
What will be your function? किसी का तो सोल्यूशन निकालना है आपने. तो इफ आई एम टेकिंग x नॉट इक्वल टू 0.5, तो x1 आ रहा है मेरा, x नॉट क्या है मेरा 0.5, माइनस फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालूंगी 0.5 पे, फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 0.5 पे, दिस इज गिविंग मी आंसर एज 0.92420. x2 क्या हो जाएगा, ये वाली अप्रोक्सीमेशन लेके चलोगे 0.92420 माइनस फंक्शन की वैल्यू 0.92420 पे, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 92420 पे. ये वाला फंक्शन कह रही हूं मैं, आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस इंटेग्रल. इज इट क्लियर? अभी इंटेग्रेशन हमने स्टार्ट नहीं की, ठीक है. एक्स थ्री आप क्या लेके चलोगे, अब आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन किसकी लेके चलोगे, जो इसका आंसर आएगा. दिस इज गिविंग यू आंसर एज 0.82911. x3 लगाओगे तो दिस इज गिविंग यू 0.82414. x4 इज गिविंग यू 0.82413. सो हियर यू कैन सी वो क्या कह रहा था, अल्फा क्या है आपकी पॉजिटिव रूट है, तो ये रूट पॉजिटिव ही है. I'm considering only, ठीक है, क्योंकि हमें 0.05 से खत्म हो गया सारा. सेकंड पार्ट पे आ जाओ, वो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, एरिया ही तो निकालना है. ए किसका निकालना है, जीरो. अल्फा पता चल गया क्या है आपको, 0.824 इंटू 4 कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. क्या कह रहा है कि आपको चार सब इंटरवल्स में डिवाइड करना और ब्रैकेट और फोर सब इंटरवल्स, इसका मतलब आपको एक्स निकालना पड़ेगा. यस और नो, एच आपका क्या होता है, बी माइनस ए बाय एन. बी क्या है यहाँ पे, 0.824. क्लियर है ये, माइनस ए, ए इज योर जीरो. एंड नंबर ऑफ इंटरवल्स वो कितने कह रहा है क्वेश्चन में, कि कितने इंटरवल्स में ब्रेक करो, फोर. सो दिस विल बी योर फोर, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी योर 0.20.
सिक्स, ठीक है, तो आपका एक्स नॉट, तो आप क्या लेके चलते हो, वही वाला गैस जो ए आपका होता है. सो ये दिस विल बी योर ए जीरो, एक्स वन क्या होता है, एक्स नॉट प्लस एच, 0 प्लस 0.206, दिस विल बी योर 0.206. एक्स टू क्या होता है, एक्स नॉट प्लस 2h, सो दिस इज गिविंग यू आंसर एज 0.412. एक्स थ्री 0. एक्स फोर आएगा, जो लास्ट इंटरवल आ रहा होगा वो हमेशा आपकी अपर लिमिट आ रही होगी, करके देख लेना. 0 0 प्लस दैट विल बी योर 4x, दैट विल बी योर 0.8. सिम्पसन्स वन थर्ड रूल लगाओ, क्या है फॉर्मूला, कंपोजिट सॉरी ट्रेपीजॉइडल रूल लगाओ. दिस आई एम राइटिंग फॉर कंपोजिट, टी इज फॉर यूजिंग फॉर माई ट्रेपीजॉइडल एंड आर इज जस्ट आई एम यूजिंग द रूल. ठीक है, क्या फॉर्मूला ट्रेपीजॉइडल रूल का, कंपोजिट ट्रेपीजॉइडल रूल का, दैट इज योर, देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, एच बाय एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पे मतलब 0 पे, फंक्शन की वैल्यू लास्ट वाले पे मतलब 0.824 पे, बाकी क्या कहते हैं सबका क्या कर दो, टू टाइम्स फंक्शन की वैल्यू 0.206 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू 0.412 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू 0.618 पे. ध्यान रखना फंक्शन की वैल्यू निकालो जब ना, सो यू हैव टू इंटेग्रेट दिस थिंग. ठीक है, चाहे 4 आप डायरेक्टली पहले ही बाहर ले लेना क्योंकि वो फंक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा फिर. इज इट क्लियर, यस और नो? हाँ, ये भी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डील करना है देन यू आर टेकिंग, प्लीज कन्वर्ट योर कैलकुलेटर फ्रॉम डिग्रीज मोड टू रेडियंस मोड. ठीक है, मत भूलना, नहीं आंसर आएगा अगर डिग्रीज में ही रखोगे. सबसे पहले यही करना, कैलकुलेटर को जाके डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना. यू नो द प्रोसेस हाउ टू कन्वर्ट, फाइन. सो फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे, एच इज योर 0.206, दिस इज योर 2, इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे, इस फंक्शन की वैल्यू 0.824 पे, बाकी सारी वैल्यूज निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू आर गेटिंग आंसर एज 2.470951. क्लियर, यस और नो? सिंपसन, मैंने वन थर्ड रूल का आंसर नहीं निकाला बट स्टिल यू कैन कैलकुलेट. दिस इज कंपोजिट सिम्पसन रूल. कंपोजिट सिम्पसन रूल का फॉर्मूला बोलो, व्हाट इज योर कंपोजिट सिम्पसन रूल फॉर्मूला. एच बाय 3, 4h/3 आ जाएगा. क्लियर है, लिख दू 4 बाहर क्योंकि मेरा फंक्शन में 4 मल्टीप्लाई है, 4x/3. कहीं आप सोचो कि फॉर्मूला में ही 4 था, ठीक है, सो 4 इज इन द फंक्शन प्लस टू टाइम्स किसकी करनी है वैल्यू, इवन टर्म कौन सी है,
इंटरवल यहाँ पे मैंने जब मैंने डेरिवेशन भी करी तो मैंने एक्स नॉट से ली है, कहाँ पे आपका फंक्शन की वैल्यू 0.412 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू बस यही आएगी सिर्फ, बिकॉज 0.824 वाला सम नहीं है, प्लस फंक्शन की वैल्यू किस पे 0.206 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू 0.618 पे, क्लियर है? फंक्शन टू टाइम भी कम हुआ वो फोर और भी टॉमल था वो चार बार थी वो दो दो बार था ये सब फोर से मिला था ठीक है हाउ यू कैन फाइंड द एरर composite Simpsons composite trapezoidal if it is not mentioned go for non composite mushkil karne ki unless and until it is not mentioned don't use composite is it clear so next we will start with the gauss quadrant main aapko sirf starting bata deti hu hum next class mein hi start karenge We will do Gauss quadrature formula. मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर. न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला क्या था? था कि मैं इंटेग्रेट ए टू बी मुझे करना है एफ एक्स डी एक्स. न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर मैं क्या कह रही थी, दिस इज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन और जीरो प्लस आपका एरर आ रहा था. ठीक है, यही था आपका न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर जो हमने ट्रेपेज़ॉइडल निकाला था. Thank you.
इन योर सिंपल न्यूमेरिकल न्यूटन कोर्ट्स में जो हमने फॉर्मूला करे, ट्रेपीजोइडल सिम्पसन कंपोजिट ट्रेपीजोइडल कंपोजिट सिम्पसन वन थर्ड और थ्री एट, वहां पे आपको अपनी नोड्स नोन थी, यू वर नोन योर नोड्स, आपको पता था आपने एक्स को ए ले लेना है, अगर आप कंपोजिट में हो तो आपने एक्स एन को क्या ले लेना है, बी ले लेना है, ठीक है, यही लेके चलते थे। बट गॉस क्वाड्रेचर में क्या है, दिस इज अननोन एंड दिस एक्साइज आर आल्सो अननोन, देन योर फॉर्मूला चेंजेस टू योर गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला, फॉर्मूला वही है L T.